उत्तराखंड में छात्र संघ चुनावों को लेकर छात्र नेताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। नामांकन भरने पहुंचे छात्र नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खटीमा के हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय महाविद्यालय में भी छात्र संघ चुनाव की धूम है। नामांकन भरने पहुंचे छात्र नेताओं के पक्ष में उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। छात्र संघ चुनावों को लेकर प्रशासन की तैयारियां भी पूरी है। SSI अशोक कुमार ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया पर गहरी नजर रखी जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी विश्वविद्यालय में तैनात किया गया है। देखिए, ये छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके जो स्टेप हैं, नामांकन, नाम वापसी, जनरल गैदरिंग, उसके बाद इलेक्शन, इन सब प्रक्रियाओं को सकुशल सम्पन्न करने के लिए हमारा जो डिग्री कॉलेज खटीमा में है, जब से इलेक्शन प्रक्रिया शुरू हुई, हमारे यहाँ पुलिस बल तैनात है। हम पूरी छात्र चुनाव पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, कानून व्यवस्था के अंतर्गत। और आज नामांकन प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया को सफल संपन्न करने के लिए हमारे द्वारा यहाँ पुलिस बल नियुक्त कर दिया गया है। चुनाव प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि चार विभिन्न पदों के लिए कई छात्र नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आज निर्वाचन में नामांकन प्रक्रिया जो है 11 बजे प्रारंभ हो गई थी। 11 बजे से साय 3 बजे तक ये नामांकन प्रक्रिया चलेगी और अभी तक लगभग चार विभिन्न पद के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया है और ये प्रक्रिया 3 बजे तक चलेगी। इसमें अभी आज पूरा दिन बाकी है। फिर है रण की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी, हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।